वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। वृश्चिक राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो देखना। जी हाँ, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों एक बहुत बड़े राज की बात बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो देखना। आपके अगल बगल में, आपके आसपास में कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो बात हम आपको बताने वाले हैं ये राज की बात किसी के भी कानों कान खबर मत होने देना। जी हाँ, लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, लोग आपकी हारने का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, खासकर वो लोग जिन लोगों के ऊपर आप दिलो जान से भरोसा कर रहे हैं, खुद से ज़्यादा विश्वास आप उन पर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से अभी के अभी दूर हो जाइए। जी हाँ, अगर समय अच्छा हो सब अपने होते हैं, और अगर समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों समय से बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान, समय सबसे बड़ा दोस्त होता है। जी हाँ, क्योंकि यही समय है हमें पहचान कराता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराये हैं। जी हाँ, कभी कभी जीवन में मुसीबत भी आना चाहिए, तभी तो हमें पता चलता है कि कौन मुसीबत में साथ देता है और कौन मुसीबत में साथ छोड़ कर जाता है, कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ा कर जाता है, इसका सही पहचान वक्त ही कराता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आगे की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जी हाँ, हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको वो गहरी जानकारियां देने वाले हैं, वो राज की बात बताने वाले हैं जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 101% सटीक जानकारियां इस वीडियो में दिया गया है। बस थोड़ा सा समय दीजिए और इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको यह भी बताएंगे ग्रह सितारे आपके अनुकूल है या नहीं, आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले ग्रहों के राजकुमार, ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वही इस वीडियो को लाइक करें, और जो लोग भगवान सूर्यदेव जी को दिल से मानते हैं वो लोग बिना देर किए कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्यदेव महाराज, ओम सूर्याय नमः, जय हो सूर्य नारायण जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़े गहरे राज की बात पता चलने वाली है। जी हाँ, एक प्रकार से यूं कहें तो अगले इन 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर आपकी राशि वालों को मिलेगी। जी हाँ, सावधान रहिएगा, ये तूफानी खबर आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है तो कहीं कहीं आपको बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कभी उतार कभी चढ़ाव आपकी जिंदगी में बना रहेगा। देखिए दोस्तों, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी खबर से होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी पुरानी सभी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। जी हाँ, लेकिन कुछ नई परेशानियां आज आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। जी हाँ, लेकिन आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करें, कार्य में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पुरानी चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, नए कामों को समय पर पूरे कर पाएंगे, बहुत दिनों से
पेंडिंग पड़े कामों को जबरदस्त लाभ होगा। जी हाँ, आपके रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, धन संपत्ति में ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रही है और अधिक कमाई के करने के कारण आपके खर्चे भी बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जी हाँ, अब फिजूल खर्चों से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ करना होगा कि आपके भीतर भी उससे कई शांति आएगी। सितारे कहते हैं आज आप अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। जी हाँ, आप अपने घर को बदलने के मौके मिल सकते हैं या फिर आप घर खरीदने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाइए और अगर आप अपने घर या घर के किसी हिस्से को रेनोवेट या फिर रिमॉडलिंग कराने की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को अमली जामा पहचाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। जी हाँ, आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती है। अगर आप छोटे विवादों से बड़े विवादों को तब्दील नहीं होने देना चाहते हैं तो अभी से ही संभल जाइए। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से ही अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आप पर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों से भार है, इसलिए दोस्तों आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, अगर आप उनसे सहयोग की मांग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए यह समय आपकी जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उससे साथ चलने की कोशिश करें। आपको अनुभव से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। आने वाले अगले 24 घंटे में आपका वह काम बनने वाला है जो काम बनते बनते बीच में अटक जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपका वो काम अब जरूर बनेगा जिससे लोग आपका तारीफ करेंगे और हर जगह आपका दबदबा बना रहेगा। आने वाले अगले 24 घंटे आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, दिन शांति और तनाव रहित गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, आज अच्छा वित्तीय लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन आपने खरीदारी पर थोड़ी सी नजर रखें क्योंकि यही फिजूल खर्चे आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इतना ध्यान रखें, खर्च हमेशा अपने बजट के अनुसार ही करें। अगर आप चादर से ज्यादा पांव फैलाएंगे तो एक दिन आपको हाथ फैलाने की नौबत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए एकदम तैयार हैं। जी हाँ, अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, किसी संबंध में हैं, तो आप अपनी भाव भंगिमा के द्वारा उसमें एक नई जान फूकेंगे। जी हाँ, अगर आप एकल हैं तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बताना चाहेंगे आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपकी भावनाएं उफान पर रहेगी और आपको खासा परेशान करेगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला ना लें। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लें, नहीं तो दिक्कत होगा।
इस स्थिति में थोड़ी सी राहत पाने के लिए कार्यकलाप करें और आपको सबसे ज्यादा पसंद है इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। देखिए दोस्तों, आज आप कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने सहकर्मियों की आलोचना ना करें। जी हाँ, आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकती हैं और आप इसकी भड़ास अपने सहयोगियों पर भी निकाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहाँ तक आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, अतः इससे दूर रहने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपको मौन व्रत धारण कर लेनी है। जी हाँ, क्योंकि गुस्सा थोड़े समय के लिए ही होता है और नुकसान बहुत बड़ा देकर जाता है। गुस्से में आप अपना नुकसान ही कर सकते हैं, आप कभी भी अपना लाभ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, गुस्से से बचने का प्रयास करें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। देखिए दोस्तों, बड़े रोजगार के अवसर आज आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, ध्यान से इस बारे में सोचें, समझें और इसके पूर्ण संतुष्ट होने पर अपने कैरियर की दिशा परिवर्तित करें। जी हाँ दोस्तों, आपका सहकर्मी नौकरी को त्याग कर सकता है और इसकी जगह आप किसी जरूरतमंद को अपने यहाँ काम पर लगवा सकती हैं। हालांकि आप अवगत नहीं हैं, लेकिन आपके मूल्य काफी उच्च स्तर के हैं। आपके वेतन पान में वृद्धि की संभावना रहेगी और आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी, चाहे आप किसी भी पद पर हो, लेकिन आपका जो है प्रमोशन इस समय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। आज आपके पास इसका बदला उतारने और इसका साथ देने का एक मौका आएगा। आपको इसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। जी हाँ, पर अंततः इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना होगा, जो कि आपके लिए बेहतर होंगी। जी हाँ दोस्तों, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, ये बात आपको अपने माइंड में, अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक और भावनात्मक महसूस करेंगे। आप अभी तक प्यार के मामले में कोई भी जरूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चला देते रहे हैं, लेकिन अब इन जरूरतों के लिए खुद को भी दिल से समर्पित करने के लिए तैयार रहें। कुछ करने की आपकी यह दिली पुकार आपको बहुत महत्वपूर्ण समय पर जो है समझ आई है, और अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो आपको बिना देर किए गंभीर हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपको लगेगा कि कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है और उनकी वजह से आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आप ईमानदार और मेहनती हैं। यहां तक कि आपके मालिक, आपकी बॉस आपकी बाधाओं और परेशानियों को समझते भी हैं, इसलिए आप ईमानदार रहें और हमेशा की तरह ईमानदारी से काम करते रहें। आज आपको लाभ होगा और जो आप चाहते हैं वो भी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको जरूरत है मेहनत से काम करने की। जी हाँ, मेहनत और परिश्रम एक ऐसा चीज है जो कि इनके बलबूते आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मेहनत से कभी मत घबराइए, कभी मत डरिए, आपको वो सभी चीजें मिलेगा जिनकी आप सपना देखा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आप जो भी काम अपने मन में ठाने उसे पूरा करके ही छोड़ें। जी हाँ, उस कामों में आपको मेहनत से ज्यादा लाभ होगा, उम्मीद से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। नए कामों की तलाश में, नई नौकरी की तलाश में दर दर इधर उधर भटक रहे लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, नई काम मिल सकती है, या जिन लोगों का काम हाल ही में बंद हो गई थी तो उनका काम पुनः शुरू हो सकता है। रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, कामों में आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, आज के दिन
किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नई कंपनी से ऑफर आ सकती है, मल्टीनेशनल कंपनियों से आज आपको ऑफर मिल सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मामला, कोई केसेस बहुत दिनों से लटका हुआ था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। जी हाँ, और पूरे गली मोहल्ले में आपके नाम का डंका बजने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा है कि समय अभी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा समय है। देखिए दोस्तों, आज सितारे उन लोगों के पक्ष में है जो कि चल अचल संपत्ति में या निर्माण में, व्यवसाय में यह संपत्ति खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का अवसर आज आपको घर की खरीदने में मिल सकता है। जी हाँ, इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देगा। अच्छे परिणाम के लिए आज आप चल अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। भाग्य अभी आपके लिए अनुकूल है, आप इस समय किसी बड़े चीज की शुरुआत कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा लग रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी छोटी सी बात पर भी आज आप उदास हो सकते हैं या पुराने बेहतर समय को याद करने में लगे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपको हमेशा वर्तमान में जीना है और फ्यूचर की सोचना है। जी हाँ, जो बीत गया उसे भुला देनी है, नहीं तो दोस्तों आप दिन ब दिन आगे नहीं बल्कि पीछे चले जाएंगे। जी हाँ, किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकती हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी तरफ से दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाने के मूड में रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आप बस घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूँ, जिन चीज़ों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन चिंता ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको टेंशन नहीं करना है, आप अपनी प्रिय चीज़ों के केवल जो है अस्थाई तौर से दूर रहे हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर भी ध्यान देना न भूलें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के कारण रिश्तों में कल कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन आज से ये समस्याएं सुलझती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, आप शांत रहेंगे और समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। जो जो प्रयास आपने कर रहे हैं सभी प्रयास आपके सफल होंगे, लेकिन हालांकि ये रिश्ता तनाव की परम अवस्था में था और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को नवीनकृत करने का समय है। जी हाँ दोस्तों, आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, बिना रुकावट के, बिना टेंशन के आप आगे हैं, लेकिन आपकी प्रगति रुक सकती है। इतना ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी के गैजेट या किसी को रचनात्मक वस्तु का उत्पादन किया है तो उसे जल्द से जल्द उस पर कानूनी अधिकार करवा लें। जी हाँ, लोग इसे साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि यह वस्तु उन्हीं की ही है, हालांकि वास्तविकता में वे शायद ही कोई भी उत्पाद की एक प्रवृत्ति के निर्माण में आपके करीब आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा और बहुत से लोग आपको आपकी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों आप इस स्थिति में किसी और की गलती की वजह से फंसे हैं, आप अपनी गलती से नहीं। अब की बार ऐसे लोगों से सावधान रहें, नकारात्मक लोगों से जो आपके प्रति बुरा चाहता है, उन सभी लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो खासकर आपके मुंह पर मीठे मीठे बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत बड़ी जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कुछ लंबे समय से तनाव आपके रिश्तों में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। जी हाँ, आपने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजरने लगा है। जी हाँ दोस्तों, और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी लग रही है, हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ, किसने आपकी बातचीत और संवेदन का आदान प्रदान रोका हुआ था,
खुले में वर्तमान की वजह से आप कार्यालय में मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपके रिश्तों की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, सोच समझकर फैसला लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज काफी मेहनत के साथ भाग दौड़ करेंगे, परंतु उतना संतोषजनक परिणाम आपको मिलेगा जितना आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन को छोटा ना करें, आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। के उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज के दिन सरकारी क्षेत्रों से आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी सफलता के योग बन रहे हैं। जी हाँ, साथ ही धन संपत्ति के मामले में लाभ होगा। रुका हुआ, पेंडिंग में पड़ा हुआ काम आज आप पूरा कर सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद मिल रही है, घर का पूरा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत आज आप कर सकती हैं, किसी नए कामों की शुरुआत आज आप कर सकती हैं, जिसमें भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको उसमें लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों सितारे कहते हैं कि आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर कामों में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप मजे मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आज आपको कोई भी कदम उठाने से पहले दोबारा सोच विचार कर लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी आदत है बिना सोचे समझे कहीं पर भी कूद पड़ती हैं, जिसका अंजाम बुरा होता है। लेकिन इस बार आपको सोच समझकर ही कोई कदम बढ़ाना है, इतना ध्यान रखिएगा। आप भावनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगे, पुराने दोस्तों या परिचितों के सामने आने से आपको खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अभी तक किसी साथी के साथ संबंध की शुरुआत की है, उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीके के बारे में सोच विचार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकती हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच को खुली रखें, लेकिन अभी कोई भी योजना सुनिश्चित ना करें। जी हाँ दोस्तों, केवल समय के साथ चलते रहें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब कुछ आपको समय पर छोड़ देनी है, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है, समय आपको सब कुछ बता देगा। जी हाँ, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रतिभा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आप अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, बहुत ही जल्द अपने पक्ष में होगा। देखिए दोस्तों, आज आप खरीदारी संबंधित किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी चीज में कदम उठाना चाहते हैं तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन फिर भी सोच विचार करके ही कदम उठाना है, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जा सकता है और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे, यही बेहतर होगा। आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आपको अपने काफी व्यस्त परीक्षण कार्यक्रम में बावजूद अपने साथी को खुश कर देने के मौके ढूंढने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके संबंध से आपको इतना प्यार मिला है जिसका दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख पाते हैं, शायद आप इसलिए इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे का समझने का प्रयास करें, अपने के प्रति के लिए, अपने प्रिय के लिए कोई गीत या कोई गाना कंपोज कर सकती हैं या उन्हें कोई तस्वीर
फ्रेम में करके देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, आज आप में जिम्मेदारी से बचने के लिए एक प्रभावी व्यक्ति रहेगी। लेकिन ये स्थिति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी मुसीबत को बढ़ा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तथ्य यह है कि किसी भी वास्तविकता इच्छिक से प्रेरित न होकर अपने जो है कड़ी मेहनत और ईमानदारी के प्रयास आज आपको सफलता एवं पुरस्कार दिला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले समय अंतराल में आप मेहनत की हैं, उनका फल आज आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। जी हाँ, आपको बस मेहनत करते रहना है। जिस तरह से मेहनत आप पहले कर रहे थे, उसी तरह से मेहनत करते रहना है, और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपको उसी रास्ते में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जी हाँ, सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बस उनका फल मिलने का समय है। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, तो आपको वो सभी चीज़ें मिलेगी जिन चीज़ों की आपने कल्पना करते आ रहे हैं, सपना देखते आ रहे हैं। जी हाँ, और बिजनेस करने वाले जातकों को कई गुना ज़्यादा उछाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य पलटेगा, क्योंकि दोस्तों आज आपको किस्मत और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। जी हाँ, आज आपके कैरियर में सुधार होगा और छोटी मोटी जो परेशानियां थी कैरियर में वह दूर होंगी। किसी कंपनी में आज आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी जॉब को लेकर, साथ ही साथ आज आपको नई जॉब लगने की संभावना बन रही है। और जो लोग पहले से कोई नौकरी में हैं, वो अगर अपनी नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन को लेकर कोई विचार आपके मन में बहुत दिनों से थी, तो आपका वह सपना पूरा हो सकता है। और जो लोग पहले से कोई नौकरी में हैं, वो अपने कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बॉस आज आपके कामों पर बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बॉस की नज़रें आपके काम पर ही है। इसलिए दोस्तों, जितनी मेहनत से काम करेंगे, जितनी आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपको उतनी प्रमोशन मिल सकती है। पहले से अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था, तो वह कार्य पूरा हो सकता है, फंसा हुआ धन आज आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी समय से लेने वाला कोई अपना अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, उन कामों को आज आप शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परियोजना पर काम कर रहे हैं, या किसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर सावधान तैयार रहें। आपको इन सभी प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ चुनौतियां रहेंगी, आपको चुनौतियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, इतना जरूर ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में धन खोया हुआ है, क्योंकि आपने विवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मार्ग तृष्णाओं वाली जो है परियोजनाओं में पैसे लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और परियोजनाएं आपके समक्ष आएंगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे, तो परेशानी बढ़ेगी, अन्यथा आप अपनी वित्तीय परेशानियों में फंस सकती हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरण शब्द तरीके से लेने हैं, और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। आपकी आदत सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं समकती हुई चीज़ों की तरफ भाग पड़ते हैं, जो कि आपको पकड़नी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि अच्छे खान पान का महत्व समझें। आप कई बार छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका आपको भोजन से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये भोजन के गलत तरीकों से ही जुड़ी हुई है।
जी हाँ दोस्तों, आज आपको यह समझने की जरूरत है, यह समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए अपने समान स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एकमात्र रास्ता खान पान में सुधार ही है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में सुधार आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है, इसलिए आपको अपने सेहत के प्रति किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज, किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करना है। जी हाँ, आज आप खुद को ऐसी व्यक्ति से साथ पाएंगे जो आपके साथ बहुत दिनों से समय बिताना चाहता था और काफी समय से आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह संबंध काफी गंभीर है और रोमांटिक साबित हो सकता है। वही दोस्तों, आपको यह भी चाहिए था कि आज का दिन खास रहेगा, इसका पूरा उपयोग करें और जैसे आप बिल्कुल वैसे ही रहें। आज आप उन परियोजनाओं पर अच्छी शुरुआत करें जिनको आपने लंबे समय से अपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप एक सफल भविष्य के लिए अच्छी नींव बिछाने में बस एक कदम दूर हैं। जी हाँ, चीज़ों को आज जो है आसान तरीके से लें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें, क्योंकि आपकी एक आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, आगे चलकर परेशानी हो सकती है। अपने कामों को करने के लिए दूसरों पर भरोसा ना करें, जो उचित है इन विचारों को रखने में आप जरा सी भी ना घबराएं। जी हाँ, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, उस कामों को आज आप जरूर करें, आपको जरूर लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आप इन बातों को समझ पाए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय ब्रह्मदेव जरूर लिखें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।